देख रहे हैं वीकली मार्केट रिव्यू। निफ्टी और बैंक निफ्टी का परफॉर्मेंस वीकली बेसिस पे एक बड़े टाइम फ्रेम पे क्या हो सकता है, ये हम समझने की कोशिश करेंगे टेक्निकल चार्ट की हेल्प से। अगर ओवरऑल न्यूज की बात करें, जैसे कि प्रीवियसली न्यूज चल रहे हैं, तो इन्फ्लेशन का डेटा बढ़ा हुआ है, ऑयल के प्राइसेस बढ़े हुए हैं, जिसकी वजह से इंडिया में इन्फ्लेशन बढ़ा हुआ है, ये सब चीज मार्केट को इफेक्ट कर रहे हैं और मार्केट में सेलिंग प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं। और बिकॉज ऑफ दैट मार्केट में हमको एक डाउन ट्रेंड देखने के लिए मिल रहा था। अब ये सब न्यूज को मार्केट ने कहीं ना कहीं डिस्काउंट कर लिया है, कहीं ना कहीं मार्केट ने ऑब्जर्व कर लिया है। अब आगे क्या होगा निफ्टी और बैंक निफ्टी का परफॉर्मेंस, ये समझेंगे हम टेक्निकल चार्ट की हेल्प से। नमस्कार, मैं अजीत सिंह, स्वागत करता हूं आपके चैनल ठाकुर कैपिटल में। हम देख रहे हैं वीकली मार्केट रिव्यू। अब बात करें यहां पे, तो हम लोग वीकली बेसिस पे देखें तो एक कैंडल एक वीक को दर्शाता है, मतलब मंडे से लेके फ्राइडे तक जो 5 ट्रेडिंग सेशन हुए, उस ट्रेडिंग सेशन में बायर और सेलर का परफॉर्मेंस क्या रहा, कौन विन हुए, बायर विन हुए या सेलर, ये हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। अब सबसे पहले देखें तो ये जो कैंडल है 27 जून का, यहां पे देखें तो एक गैप अप ओपनिंग हुई थी। हम लोग ये देख सकते हैं ये जो ओपनिंग थी वो इस लेवल पे थी, यहां पर हम लोग ने एक लाइन मार्क की ब्लू वाली, और यहां पर हम लोग ये देख सकते हैं ऊपर की तरफ, यहां पे कर्सर दिख रहा है आपको, इसका ओपन है 15,926 और हाई है 15,927। मतलब जहां ओपन हुआ वही हाई था और वहां से मार्केट नीचे की तरफ मूव हुआ। और एक चीज हम लोग समझे, नीचे की तरफ मूव होने के बाद बायर्स ने एग्रेसिवली लोअर लेवल से यहां पे बाइंग की, हम लोग ये देख सकते हैं इस लेवल से लेके यहां तक की हम लोग बात कर रहे हैं। एक बात समझते हैं, इस लेवल से लेके यहां तक, मतलब हम लोग ये देख सकते हैं कि लोअर लेवल से निफ्टी में हमको 240 पॉइंट की रिकवरी देखने मिली लास्ट वीक में। अगर हम लोग देखें ओवरऑल एक गैप अप ओपनिंग थी, यहां पे देखें इसकी क्लोजिंग क्या है, इसकी क्लोजिंग है इस कैंडल की, अभी हम लोग 20 जून के, हम लोग इन डिटेल बात कर रहे हैं कि बायर और सेलर करना क्या चाहते हैं, क्या कर रहे हैं, प्राइस एक्शन क्या कह रहा है। 20 जून को जो हाई था हम लोग यहां पे चेक कर रहे हैं, क्लोजिंग थी यहां पे हम लोग चेक कर रहे हैं, कर्सर देख सकते हैं 15,699, मतलब 15,700 समझते हैं। और नेक्स्ट डे जो ओपनिंग हुई मंडे के दिन, वो ही यहां पे हम लोग चेक कर रहे हैं 15,926, तो 225 पॉइंट गैप अप ओपनिंग रही मंडे के दिन, और उसके बाद हमको नीचे की तरफ मूव होता हुआ दिखा निफ्टी। अब हम लोग ये समझने की कोशिश करते हैं आगे क्या हो सकता है। अब हम लोग देखें तो एक डाउन ट्रेंडिंग मूव में ही ट्रेड कर रहा है, लोअर हाई और लोअर लोज अभी भी कंटिन्यू बना रहा है निफ्टी। एक बार भी हमको कहीं भी हायर लो एस्टैब्लिश होगा ऐसा नहीं दिख रहा है। एक प्रीवियस हायर लो एस्टैब्लिश करने की कोशिश की थी निफ्टी ने इस जोन में जहां पर उन्होंने मार्क किया है, पर उसके बाद ये भी बहुत शार्प गैप डाउन ओपनिंग के साथ ब्रेक किया था उस वीक में, 5.5% निफ्टी डाउन था, हम लोग ये देख रहे हैं इस वीक की बात कर रहे हैं। तो उसके बाद एक उम्मीद खत्म होगी कि एक हायर लो एस्टैब्लिश होने की चांसेस होंगे कहीं। यहां पे देखें तो यहां पे भी लोअर लो है, मतलब इस प्रीवियस लो को ब्रेक किया है निफ्टी ने। अब कहीं ना कहीं यहां मतलब 16,800 के लेवल तक अगर निफ्टी जाता है और वहां पे एक वापस लोअर हाई बनेगा, मतलब हम लोग ये देख सकते हैं जैसे ये लोअर हाई कंटिन्यू बन रहे हैं, यहां पे हायर हाई था, फिर ये लोअर हाई था, ये लोअर हाई था, अब ये लोअर हाई था, अब यहां वापस कहीं एक लोअर हाई प्रिंट होगा, तो वहां से अगर वापस निफ्टी नीचे आता है और एक हायर लो एस्टैब्लिश करता है, मतलब इस प्रीवियस लो को ब्रेक नहीं करता, तो हम लोग समझ सकते हैं कि मार्केट में एक बाइंग अपॉर्चुनिटी हमको दिख सकती है। अदरवाइज मार्केट में अभी भी एक डाउन ट्रेंड है बड़े टाइम फ्रेम पे और निफ्टी नीचे की तरफ मूव कर रहा है। अब बात करें मंथली चार्ट पे, मंथली चार्ट की बात करें तो इस मंथ में जो जस्ट अभी कैंडल ओपन हुआ है 1 तारीख को, ये 28 पॉइंट माइनस हुआ है, मतलब गैप डाउन ओपनिंग थी और गैप डाउन ओपनिंग के बाद अच्छी खासी बाइंग हमको देखने मिली निफ्टी में। मतलब हम लोग देखें तो 154 पॉइंट माइनस था फ्राइडे के दिन निफ्टी, मगर नीचे से बायर ने एग्रेसिवली बाइंग की है। अब यहां पे हम लोग ये समझे तो अगर ये प्रीवियस जो ये लो है जून मंथ का, अगर लो ब्रेक नहीं होता तो हम लोग ये कह सकते हैं कि मार्केट में एक मार्केट स्टेबल होगा और यहां से मार्केट ऊपर की तरफ मूव कर सकता है। अगर ये ब्रेक होता है तो हम लोग मार्केट को निफ्टी को और नीचे जाता हुआ देखेंगे और ये लेवल 14,200 भी हो सकता है। इसकी प्रोबेबिलिटी कम है, चांसेस कम है, क्योंकि निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों एक ही दिशा में
अब ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। बैंक निफ्टी का जो रिट्रेसमेंट है वो बहुत ही कम है कंपेयर करें अगर हम लोग निफ्टी के साथ। अब हम लोगों ने बात की निफ्टी का, निफ्टी के बारे में वीकली और मंथली चार्ट पे। अब बात करेंगे हम लोग बैंक निफ्टी के बारे में। बैंक निफ्टी का ये वीकली चार्ट हम लोग यहाँ पे चेक कर सकते हैं। अब हम लोग ये देख सकते हैं बैंक निफ्टी के वीकली चार्ट में यहाँ पे एक गैप अप ओपनिंग थी। हम लोग देखें तो 20 जून के बाद जो क्लोजिंग यहाँ पे हम लोग चेक कर रहे हैं ये थी 33,600 के नजदीक में, और जो ओपनिंग थी वो थी 34,126, मतलब 500 550 पॉइंट गैप अप ओपनिंग रही। उसके बाद बैंक निफ्टी नीचे की तरफ मूव की। अब ये हम लोग देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी ने अच्छी तरीके से सस्टेन करके रखा है अपने प्रीवियस लेवल्स को, मतलब 7 मार्च के लेवल्स को ब्रेक नहीं किया है। लोअर लोज यहां भी बन रहे हैं, ऐसा नहीं है कि लोअर लोज नहीं बन रहे, हम लोग ये चेक कर सकते हैं। यहां पे लोअर हाइज भी हैं, लोअर लोज भी हैं, ये हम लोग चेक कर सकते हैं। अब यहां से निफ्टी कहीं ना कहीं इसके लेवल के नजदीक में जा सकती है। जैसे एक बार हम लोग देखते हैं ये होता कैसे है। एक फिबोनाची एक्सटेंशन की बात करें, यहां तक हम लोग ने देखा था कि निफ्टी का जो रिकवरी है वो कहां तक था, बैंक निफ्टी का माफ करना, 50% का बाउंस देखने मिला। मतलब यहां से इस लेवल से 4 अप्रैल के लेवल से जो गिरा हुआ था 9 मार्च तक मई तक माफ करना, उसके बाद जो बाउंस आया वो 50% का आया। अब यहां पे भी हम लोग ऐसा ही एक रिट्रेसमेंट मार्क कर सकते हैं कि यहां से क्या बाउंस लगता है। अब यहां से लेके इस लेवल से लेके इस लेवल तक देखिए तो 50% के नजदीक में ये पहुंचा हुआ है। अब ये 50% का बाउंस लेके वापस नीचे की तरफ मूव कर सकता है या एक ऊपर की तरफ भी मूव कर सकता है और एक हायर लो एस्टैब्लिश करने की कोशिश कर सकता है बैंक निफ्टी। वो प्राइस एक्शन हमको बताने और समझाने की कोशिश करेंगे कि बैंक निफ्टी का आगे का मूव क्या होगा, और हम लोग कंटिन्यू डेली मार्केट रिव्यू में उसको कवर करने की कोशिश करते हैं कि प्राइस एक्शन क्या कह रहे हैं, निफ्टी और बैंक निफ्टी क्या लग रही है। तो जरूर आप डेली मार्केट रिव्यू देखा करो, हर दिन 5 बजे हम लोग अपने चैनल पे उसको पोस्ट करते हैं उस वीडियो को। अब बात करें, हम लोगों ने बात की डिस्कशन की कि यहाँ पे भी एक देखें तो डाउन ट्रेंडिंग हमको ट्रेंड लग रहा है क्योंकि लोअर हाई और लोअर लोज बन रहे हैं। हम लोग ये देख सकते हैं कि किस तरीके से लोअर हाई और लोअर लोज बन रहे हैं, हम लोग ये चेक कर सकते हैं। लोअर हाई और लोअर लोज बन रहे हैं, हम लोग ये चेक कर सकते हैं। अब बात करें हम लोग मंथली चार्ट की कि मंथली चार्ट में निफ्टी क्या लग रहा है, माफ करना बैंक निफ्टी क्या लग रहा है। यहाँ पे देखें तो मंथली चार्ट में बैंक निफ्टी 114 इस जुलाई मंथ में प्लस है अभी तक, जो पहला ट्रेडिंग सेशन था कल के दिन, जिसकी वजह से अगर ये लो अगर ब्रेक नहीं होता जो ये सस्टेन किया हुआ है बैंक निफ्टी ने, हम लोग ये देख सकते हैं कि अच्छी खासी हमको बाइंग देखने मिलेगी इस लेवल्स पे। अब बात करें ईएमएस की, ईएमएस हम लोग देखें वीकली चार्ट्स पे तो 5 EMA के नीचे है, बाकी सब ईएमए के नीचे और बैंक निफ्टी भी हर ईएमएस के नीचे है, तो ईएमएस बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे हम। अगर हम लोग ये देखेंगे कि कौन कौन से सेक्टर्स ज्यादा गिरे हुए हैं लास्ट वीक में, हम लोग ये देख सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं मीडिया इंडेक्स जो गिरा था वो प्लस था मीडिया इंडेक्स। बाद में देखें तो ऑटो इंडेक्स में बहुत शानदार तेजी रही थी लास्ट वीक में। उसके बाद देखें प्राइवेट बैंक्स थोड़े से गिरे हुए हैं, बैंक निफ्टी थोड़ी सी गिरी हुई है। सबसे ज्यादा गिरावट अगर हम लोग देखें तो एनर्जी स्टॉक्स में हमको देखने मिला, हम लोग ये देख सकते हैं। यहां पे देखें तो निफ्टी ऑयल एंड गैस में हम लोग को गिरावट देखने मिली। तो ये बाकी सब अलग अलग सेक्टर्स हैं, वो कौन कौन से सेक्टर्स में कौन कौन सी कंपनी प्लस है और माइनस है ये भी हम लोग समझते हैं हमेशा वीकली चार्ट्स में। तो जरूर इस वीडियो को अपने फ्रेंड और रिलेटिव के साथ शेयर करें कि वो भी स्टॉक मार्केट के मूवमेंट को बेहतर तरीके से समझ सके। नमस्कार, धन्यवाद।